नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, कल वीकली एक्सपायरी है, चलिए देखते हैं कल मॉर्निंग में ट्रेड कैसे करेंगे, क्या ट्रेड प्लान होना चाहिए हमारा। आज मार्केट थोड़ा वोलेटाइल था, मॉर्निंग में पॉजिटिव ओपन होके पहले नीचे आया और फिर नीचे से रीटेस्ट के लेवल से रिवर्स करके अगेन डे हाई के आसपास आके क्लोजिंग दिया है। तो एक बुलिश सिनेरियो है अभी तक। और बैंक निफ्टी में एक आप देख रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल जैसा सेटअप बन रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट का नहीं है, बट यहाँ तक का मोमेंट इसमें मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए फिनेंशियल को देखेंगे आप, ठीक है, फिन निफ्टी को तो ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, राइट। एक अच्छा मोमेंट रहा है फिनेंस निफ्टी का, कल भी इसमें बहुत अच्छा मोमेंट था और आज भी इसमें एक अच्छा मोमेंट आया है। ओके, तो कल कुछ पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हमारे पास निफ्टी का ट्रेड है और जैसे कल मैं आप लोगों को बताया था कि ये थोड़ा ऊपर खुलेगा तो ट्रेड नहीं लेंगे, ट्रेड अवॉइड करेंगे, यही खुला फिर पहले नीचे आया। कल मैं बताया था कि कैंडल स्टिक पैटर्न में ट्रेड नहीं लेंगे, लेकिन क्या हुआ, देखिए हाई के आसपास गया, जब यहाँ गया तो मेरा व्यू बन गया था कि आज 18,890 के ऊपर ऑल टाइम हाई में क्लोजिंग कर जाएगा। मेरे पास पोजिशन था कैरी फॉरवर्ड पोजिशन, राइट। इसके बाद बाजार क्या हुआ, नीचे आ गया, ठीक, तो मैं M2M में फिर आ गया क्योंकि इसी आसपास मेरा पोजीशन बना हुआ है, राइट। तो फिर मैंने आप लोगों को ट्रेड दिया, मैं खुद भी क्वांटिटी ऐड किया और अगेन मार्केट टॉप के आसपास जाके क्लोजिंग दिया। तो एक अच्छा ट्रेड था निफ्टी का, ओके, अच्छे प्रॉफिट में आप लोगों ने क्लोज किया होगा और पोजीशन मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। और जब मैं पोजीशन कैरी फॉरवर्ड कर रहा था तो आप लोगों को भी मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है। देखिए अगर आप देखेंगे दोस्तों तो निफ्टी का ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है, आज का जो क्लोजिंग है ऑल टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग है और बढ़िया सेटअप बना के अपर साइड में क्लोज दिया है। कोई कारण नहीं बनता कि बाजार यहां से नीचे आए बगैर ऑल टाइम हाई टेस्ट किए, लेकिन यहां से ऑल टाइम हाई कितना है, केवल मैक्स टू मैक्स 25 से 30 पॉइंट का, राइट। लेकिन ये 25 से 30 पॉइंट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है ना 100-150 पॉइंट हो सकता है। एक लॉजिक समझो दोस्तों, आप ऑप्शन चैन देखें कि नहीं, मैं देख रहा हूं कि 18,900 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर कल मार्केट, पॉइंट ध्यान से समझिए, अगर कल मार्केट 18,900 के ऊपर मॉर्निंग में 15-20 मिनट टिक गया तो जो शॉर्ट कवरिंग आएगा ना, वो शॉर्ट कवरिंग में 19,000 का भाव भी दिखा सकता है मार्केट। मैं ये टारगेट लेके चल रहा हूं, इसलिए मैंने ट्रेड लिया है 19,100 का पुट शॉर्ट किया है और 18,800 का हमारा बाई है जो मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है, ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो यही ट्रेड है मेरे पास और मुझे लगता है कि कल का एक मोमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजार इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करता है। प्रॉब्लम कहाँ होगा दोस्तों कि बाजार ना 40 पॉइंट 50 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाए, अगर पहला कैंडल इस टाइप का बना तो मैं उम्मीद नहीं करूंगा कि बाजार ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर जाएगा भी तो पहले 18,800 आएगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हुआ तो मैं समझूंगा कि बाजार पहले नीचे आएगा। तो अगर ये 40 पॉइंट 50 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया तो हमारे पास जो पोजीशन है ओवरनाइट का, उसे मैं बुक करना प्रीफर करूंगा, थोड़ा देर इंतजार करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। अगर पहला कैंडल रेड बन रहा है तो फिर पोजीशन निकाल देंगे, और अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन गया, क्योंकि इसके ऊपर जैसे ही जाएगा ना लोगों को पैनिक शुरू हो जाएगा जो ऑप्शन शॉर्ट किए होंगे, शॉर्ट कवरिंग जबरदस्त आ सकता है, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग में देखूंगा कि अगर ये शॉर्ट कवरिंग हैवी क्वांटिटी में आ रहा है तो मैं पोजीशन डे इन तक होल्ड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे पास ठीक ठाक क्वांटिटी है और अच्छे प्रॉफिट में क्लोज किया हूं। हालांकि मैं पूरा मंथ में अभी तक मैं लॉस में हूं, ठीक है, और कल कितना मिलता है देखते हैं, राइट। मुझे लगता है कि अगर मार्केट मेरे व्यू के अकॉर्डिंग मूवमेंट किया तो ये जो है ना इतना बड़ा डेप्थ का टारगेट हमें अपर साइड में मिलेगा, और ये कितना बड़ा डेप्थ है इसे पहले समझ लीजिए, ठीक है। तो मेरा व्यू है कि बाजार ना अपर साइड मूवमेंट कर जाएगा, ठीक है। तो कम से कम बाजार का मूवमेंट है ना वो है 80 पॉइंट का, तो ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर 80 पॉइंट, इसका मतलब निफ्टी का जो टारगेट होना चाहिए वो 18,950 का होना चाहिए, ये मिनिमम टारगेट। तो शॉर्ट कवरिंग के टाइम में अगर शॉर्ट कवरिंग आ जाता है तो फ्लो में ही चले जाएगा 19,100 मेरा फाइनल टारगेट होगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपन हो जाए या फिर पहले मूवमेंट वहां पर मिल जाए तो फिर हम लोग पहले प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, करेक्ट, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए तो इसी तरीके से दोस्तों अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी का भी एक बढ़िया सेटअप बना हुआ है, ठीक है।
और देखिए जिस तरीके से प्राइस पैटर्न बना के ऊपर गया है मार्केट, ठीक है, अब यहां पर ना नीचे आने की कोई रीजन नहीं बनता है। हाँ, मॉर्निंग में किसी कारण से गैप डाउन ओपन हो जाए इस पॉइंट के बिलो तो फिर ये नेगेटिव हो सकता है, राइट। अदरवाइज यहाँ पर कोई खराब होने का कारण बनता नहीं है। 43,700 के बिलो ये खराब हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पर ओपन हुआ ये इसी वे में ऊपर जा सकता है। और मान लीजिए कि कल मूवमेंट नहीं आता है, ठीक है, कल मूवमेंट नहीं आता है, कल फिर से प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, तो अगर कल मूवमेंट नहीं आया तो फ्राइडे के दिन मूवमेंट आएगा और इसका अपर साइड का टारगेट 44,200 से लेके 44,500 का। अगर शॉर्ट कवरिंग आया तो आप इसमें ध्यान रखिएगा, ठीक है, 44,200 या 44,800 के आसपास अभी मार्केट है तो 44,000 में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होगा, तो शॉर्ट कवरिंग आना चाहिए 44,000 में, राइट। अगर 44,000 के कॉल में शॉर्ट कवरिंग आना शुरू हुआ, मतलब अगर मार्केट मॉर्निंग का 10-15 मिनट इसके ऊपर बिता देता है तो फिर ये बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आपको दिखाएगा और 200-250 पॉइंट का मिनिमम मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो ये लॉजिक होना चाहिए, ये प्लान होना चाहिए हमारा, ठीक है, एक अच्छा सेटअप बना हुआ है यहाँ से, मुझे लगता है कि प्राइस निकल जाएगा और निकल जाएगा तो एक अच्छा मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी इसी जगह में ओपन होता है, राइट, इस टाइप का प्राइस सेक्शन पैटर्न बना हुआ है, सेम लेवल में ओपन होता है 43,850 के आसपास, तो बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस ए बनेगा, राइट, मतलब लो का ए, लो का स्टॉप लॉस 800 का स्टॉप लॉस, ठीक है, मतलब 43,800 का स्टॉप लॉस, 850 या फिर आप 900 के ऊपर बाई करें, टारगेट 44,000 का पहला रखें, इसके बाद डायरेक्ट 44,200 का टारगेट हमारा होना चाहिए, इससे कम का टारगेट नहीं होगा अगर 44,000 के ऊपर बाजार सस्टेन कर जाता है तो उम्मीद करें कि कल फ्लैट बाजार खुले तो आप सबको ट्रेड करने का बहुत चांस मिलेगा, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में क्या कर सकते हैं आप, अपर साइड का 44,500 का आईटीएम पुट शॉर्ट करके एटीएम का बाई कर सकते हैं, राइट, तो इसमें भी पैसा आपको अच्छा मिल जाएगा। पूरा दिन पोजीशन को होल्ड करिए, 2,500 के रिस्क के साथ कम से कम 10-12 हजार का प्रॉफिट का साइज मिल सकता है। और शॉर्ट कवरिंग आता है दोस्तों तो 3:15 तक शॉर्ट कवरिंग आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक मोमेंट हमें कल मिलना चाहिए, ठीक है, तो सुबह फ्लैट खुलता है बाई करेंगे। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखिए कि मान लीजिए मॉर्निंग में फ्लैट बाजार खुला, ठीक है, इधर स्टैंड लाइन के अंदर ही ट्रेड कर रहा है क्योंकि जगह नहीं है तो यहाँ ट्रेड करने का जगह नहीं होगा, तो पहले नीचे आएगा, हो सकता है ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कर जाए, फिर सेटअप इस टाइप का बन जाएगा ऐसे ऐसे, फिर ब्रेकआउट आएगा तो सपोज करो कि 12:30 बजे बाद ब्रेकआउट आ रहा है, फिर 1 बजे बाद ब्रेकआउट आ रहा है या 2:30 बजे ब्रेकआउट आ रहा है, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कब मिलेगा उस अकॉर्डिंग फिर ट्रेड बनाएंगे। और ये ट्रेड होना चाहिए 44,200 44,500 का टारगेट के लिए, राइट। मुझे लगता है कि फिनेंशियल फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई टेस्ट कर लिया है, बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। चलिए इसी तरीके से फ्रेंड्स निफ्टी में देखिए जनरली क्या होता है कि इस बुलिश ट्रेंड में आप लगातार देख रहे होंगे बाजार थोड़ा पॉजिटिव ओपन होता है, पॉजिटिव ओपन होगा तो थोड़ा मुझे लगता है कि शॉर्ट हो सकता है, पहले बाजार नीचे आ सकता है। अगर बाजार मान लीजिए कि यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, पहले यहाँ आए, यहाँ पर देखेंगे कोई 15 मिनट के चार्ट में बुलिश कैंडल बनने के बाद ही ट्रेड लेंगे, अगर एक गैप अप खुलता है तो, मतलब 20-30-40 पॉइंट गैप अप खुलता है तो, ऑल टाइम हाई टेस्ट करता है तो लोअर लेवल में अगर 15 मिनट के चार्ट में कोई बुलिश कैंडल बन गया तो बाई करेंगे। अगर मान लीजिए कि थोड़ा नीचे खुलता है, फ्लैट खुल के ऊपर जाता है तो हम लोग बाई करेंगे, 18,870 के ऊपर बाई करना है, हमें इस पॉइंट का एसएल डालना है, 18,840 का एसएल रहेगा, 30 पॉइंट का एसएल, और टारगेट चूंकि जैसे मैं बता रहा हूँ 18,000 ये जो लेवल है, ठीक है, 18,870 से तो डेप्थ का टारगेट है 18,950 तक का टारगेट आपको इंट्राडे में मिलना चाहिए। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि शॉर्ट कवरिंग आ सकता है और 19,100 की तरफ का भी मोमेंट मिलने वाला है, एक ट्रेड बड़ा आने वाला है ऐसा लगता है मुझे, बाजार जिस तरीके से क्लोज किया है ना, एक ट्रेड बड़ा आना चाहिए, ओके। और जब भी बाजार लोअर लेवल में हैमर बना के गया है ना, ऑल टाइम हाई, माफ करना, ये स्विंग हाई को ब्रेकआउट किया है, तो मुझे लग रहा है कल इस स्विंग हाई को ब्रेकआउट कर जाएगा। जब भी हैमर कैंडल बना है इसके बाद मार्केट में एक बड़ा मोमेंट आया है, तो आज का क्लोजिंग नो डाउट बहुत बढ़िया है। और जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मान लो कल का क्लोजिंग 18,900 में आता है या फिर आप समझिए 19,000 में आता है तो आप अपर साइड का मूवमेंट और देखिए, इसी वे में मूवमेंट और 150-200 पॉइंट निफ्टी दे सकता है, ठीक है, तो फिर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो बनेगा, तब फिर देखेंगे कहीं पर आपका जो पोजीशन होगा या जो स्विंग में ट्रेड लिए होंगे, हमारे ऑलमोस्ट सारे ट्रेड
जो स्विंग में लिए हैं, प्रॉफिट में हैं, उनमें चाहेंगे तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड मुझे बड़ा लगता है। अभी जब तक कोई नेगेटिव ट्रेंड बनता नहीं है, तब तक हम लोग शॉर्ट करेंगे नहीं, ठीक है? अभी इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जाएंगे। जिस दिन इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन देगा, मैं आपको ट्रेड बताऊंगा लोअर लेवल में कहाँ तक बाजार नीचे आ सकता है, हम क्या व्यू रख सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है? तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऊपर लॉजिक कल के लिए, राइट? अब बात करते हैं कल कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड ले सकते हैं। नंबर वन ये है दोस्तों भारत फोर्ज, कल भी मैंने सेलेक्ट किया था, आज बिल्कुल रीटेस्ट के लेवल में आया, राइट? लेकिन जो मैं भाव चाह रहा था वो भाव टेस्ट नहीं किया, तो 808, 809 कल हमें ना यहाँ पर, देखिए जब प्राइस यहाँ पर आए ना तो एक बार टेस्ट करे, फिर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बने तो ट्रेड लेना बहुत अच्छा होगा, ठीक है? बहुत अच्छा होता है, तो अपर साइड का ट्रेड इसमें बना सकते हैं, इसमें बुलबुला स्ट्रेटजी बना सकते हैं, ठीक है? मतलब इसमें क्या करेंगे, अगर आपको 808 में मिलता है प्राइस, ठीक है, 808 में आपको मिलता है तो 810 का कॉल बाई कर लो, ठीक है, 840 का कॉल सेल कर दो और शांति से बैठ जाओ, क्योंकि यहां से जो रिकवरी देगा ना, बहुत फास्ट रिकवरी 840 तक आने वाला है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है? तो ये प्लानिंग कर सकते हैं, और मॉर्निंग में यहाँ पर 5 रुपए 10 रुपए के स्टॉप लॉस लेके, 10 रुपए तो नहीं, केवल 5 रुपए के स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड हम लोग फ्यूचर में भी सुबह सुबह बना सकते हैं। 1000 का लॉट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यह इंडसइंड बैंक। नेगेटिव पैटर्न बन रहा है लेकिन शॉर्ट का ट्रेड नहीं है, मैं इसे प्रीफर करूंगा 1272 के आसपास, 1272 के आसपास बाई करने के लिए। तो पहली जब मार्केट मान लो कि किसी कारण से नीचे आया है, तो पहले नीचे आने देंगे प्राइस को, और जैसे नीचे से लोअर लेवल में 72 के आसपास, 1272 के आसपास आएगा, तो यहाँ से रिकवरी ना बहुत फास्ट हो सकता है 1300 की तरफ, 1300 की तरफ। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कोई रिवर्सल का सेटअप, डब्ल्यू जैसा सेटअप या फिर इनसाइड जैसा सेटअप, मैंने आप लोगों को बताया है कि 15 मिनट में सपोर्ट के आसपास अगर इनसाइड बनता है तो बहुत बढ़िया रिकवरी दे सकता है, तो इस टाइप का प्लानिंग करेंगे कल, ठीक है? नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों यह रिलायंस इंडस्ट्री। निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस इंडस्ट्री को कल चलना पड़ेगा। आज एचडीएफसी चला है, टीसीएस भी चला है, ठीक है, और कल मुझे लगता है रिलायंस को चलना चाहिए। अगर रिलायंस इस रेंज से ब्रेकआउट देता है तो एक बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा, 2570 के ऊपर ट्रेड करेंगे, 2560 का एसएल डालेंगे, टारगेट मिनिमम होना चाहिए 2590 का, इसके बाद 2600 का इंट्राडे में टारगेट मिल जाएगा तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो तीन स्टॉक को कल फोकस में रखेंगे दोस्तों, नजर रखिएगा आप, ओके? चलिए तो दोस्तों ये हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी के साथ साथ स्टॉक का लेवल कल के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।